शासन प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिना रिश्वत के कर्मचारी एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। रिश्वत न मिली तो इतना दौड़ा देंगे कि आप रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला, जहां 1,000 की रिश्वत लेते एक कर्मचारी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल जिलाधिकारी जाँच में पुष्टि होने पर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। बल्दी राय ब्लॉक में राजकुमार यादव अकाउंटेंट के पद पर तैनात हैं, लेकिन इनके पास घनपतगंज का भी प्रभार है। दो दो ब्लॉकों का प्रभार होने के बाद भी बिना रिश्वत लिए ये किसी भी कार्य को एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पूर्व देखने को मिला, जहां फरियाद लेकर पहुंचे एक व्यक्ति से करीब 1,000 रिश्वत लेते नजर आए। रिश्वत लेने के बाद जल्द ही कार्य होने का आश्वासन दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि रिश्वत लेते राजकुमार यादव कैमरे में कैद होते रहे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने जांच करवाने की बात कही है। फिलहाल जिलाधिकारी सुल्तानपुर की माने तो मामला संगीन है, इसकी जांच CDO या DRDA स्तर से कराई जाएगी। यदि मामला सही पाया गया तो तत्काल उसे पद से हटाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ब्लॉक के एक बाबू द्वारा घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी ये वीडियो संज्ञान में लाया गया है, हालांकि अभी इसको पूरी तरह देखा नहीं है, परंतु ये बात आरोप संगीन है। तो अभी इसकी उच्च स्तर से या तो CDO स्तर से या फिर PDDRDA स्तर से इसकी जाँच कराई जाएगी। प्रथम दृष्टया भी यदि ये पाया जाता है तो फिलहाल तत्काल उसको चार्ज से हटा करके आगे यदि ये सत्य पाया जाता है तो फिर प्रथम कार्रवाई की जाएगी।